हेलो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद वीडियो डल रहा है क्योंकि समय नहीं मिल रहा था। आज हम नाश्ते में खाएंगे हिमालयन रेसबेरी जो हमारे घर के पास में ही लगी हुई हैं। हिमालयन रेसबेरी को बहुत नामों से भी बुलाया जाता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हैं इसके। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जो आज मैं आपको बताऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कहाँ पर लगी हुई है। ये हमारे घर के पास ही लगी हुई है, तो अभी मैं तोड़ने जा रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रेसबेरी का ही पेड़ है। इस पे छोटा छोटा लगा भी है अभी, पर शायद ये सड़ गया है, तो हम दूसरी जगह जाएंगे, इस पेड़ पे है नहीं। तो ये देखिए, ये एक और पेड़ है, इस पे कुछ कुछ लगे हुए हैं। यहाँ पे गेहूँ की कटाई हुई है, इसलिए ये पेड़ में थोड़ा थोड़ा भूसा भी फंसा हुआ है। हैं, इसलिए लोग आते जाते तोड़ के खाते रहते। क्योंकि इधर लोग आते नहीं हैं, इसलिए बहुत बचे रहते हैं इधर पे। तो अभी मैं इनको तोड़ने जाऊंगा। ये देखिए, इधर बहुत सारे लगे हुए हैं, तो चलिए अभी तोड़ते हैं इनको। मैं अभी अभी घर वापस आया हूँ और बहुत थोड़ा तोड़ा है, क्योंकि बहुत सारे हैं तो बाद में भी खाते रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने रेसबेरी तोड़े हैं। दोस्तों, खाने से पहले मैंने इसको पानी में भिगोया है, भिगोया नहीं, डाला है, और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए, क्योंकि अगर इसमें कोई कीड़े या कुछ होगा तो वो निकल जाएगा। इसको हमेशा धो के ही खाएं। ये हमारा ब्रेकफास्ट है, कॉर्नफ्लेक्स और साथ में रेसबेरीज़।